Hello all the students of class 10th, and we are preparing for electricity, and this is a video number 4, and we are going to learn about electric current. What is electric current? Iska formula kya hai? And a flow of charge is called electric current. Jo flow of charge hota hai usi ko electric current kehte hain, aur rate of electric charge is called electric current. Correct? Rate of charge ka matlab kya hua? I equals to electric current equals to charge upon me time. This is called रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. और वी कैन राइट इट ऑल्सो आई इक्वल्स टू एन ई, यानी कि चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या होता है एन ई अपॉन में टी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वेयर आई क्या है? आई है इलेक्ट्रिक करेंट, जिसे एम्पियर में नापा जाता है. क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे कूलम में नापा जाता है. और टी क्या है? टाइम, जिसे सेकेंड में नापा जाता है. द चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया, वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट, द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन प्लेस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट एट दैट प्लेस. आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई क्या है? इट इज एम्पियर ए. और एसआई यूनिट ऑफ आई हम बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं. जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ क्यू अपॉन टी. क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम अपॉन में सेकेंड. तो सी अपॉन सेकेंड, सी एस इनवर्स वन. डिफाइन वन एम्पियर. वन एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? वी नो दैट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो क्यू बराबर वन सेकंड वन कूलम, टी बराबर वन सेकंड, आई बराबर वन कूलम अपॉन वन सेकंड, वन एम्पियर. तो क्या है यहाँ पर? देखो, जब भी आपको वन की डेफिनेशन पूछे, वन कूलम कोई भी वन और एसआई यूनिट हो, तो आप क्या करोगे? पहले फॉर्मूला लिखोगे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. इफ क्यू इक्वल्स टू वन कूलम, टी इक्वल्स टू वन सेकंड, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन कूलम अपॉन वन सेकंड बराबर वन एम्पियर. इफ वन कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, there is electric current of 1 ampere. Very important one. What is ammeter? Ammeter is an instrument which is used to measure the current in the circuit. Feature of ammeter. इसमें से question आता ही है. Ammeter और voltmeter में से आता है. देखो, ये ammeter है, ये connector conductor लगा हुआ है. यहाँ पे electric current ये flow हो रही है. ये positive charge है, ये negative charge है. यहाँ पर it is always connected in series. इसे हमेशा series में connect किया जाता है. इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट. सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको नापा जाता है इससे. एन एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस बिकॉज एंटायर करंट पासेस थ्रू द एमीटर. इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट? एंड व्हाई डज एमीटर गेट बर्न व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल? जब इसे एन एमीटर इज लाइकली टू बर्न व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. क्यों? बिकॉज एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. And when connected in parallel, the resistance of the circuit reduces considerably. Hence, a large current flows in the circuit, which may lead to burning of a circuit. Right? यहाँ पे जो अगर आप parallel में जोड़ोगे तो ये क्या होगा? Burn कर जाएगा. What is conventional direction of flow of electric current? आप याद रखना. देखो, आपको जब भी देखेंगे आप electric current में जो है वो क्या है, जो direction of conventional current है वो ये है. This is, और जो दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में वो क्या जो होता है वो ऐसे दिखाया जाता है. और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन जो फ्लो करता है वो एग्जैक्टली ये होता है. इधर से माइनस की तरफ से दिखाया जाता है, प्लस की तरफ से रिलीज कर रहा है. ये क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव वन. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू. कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, याद कर लेना है हमेशा. लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, वी अज्यूम दे आर फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ओनली बिकॉज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन्स रॉन्ग गैस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट. और जो डायरेक्शन ऑफ करंट था जो उन्होंने रॉन्ग गैस किया था, इट्स अ रिस्पेक्ट कि उसे जो है अब उसको वही उसी तरीके से नापा जाता है जैसा कि हमेशा से इसमें